ठीक है चलो आज हम लोग देखते हैं पोज कैसे करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है, देखो यहाँ पे जो गाय है, गाय को हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 3D इम्पैक्ट देना है। 3D इम्पैक्ट का मतलब क्या, सबसे पहले कैमरा एंगल देखो, यहाँ पे जो गाय है वो सीधी नहीं है, ठीक है। अभी इन चीज़ों को हम लोग मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसा बहुत बेसिक सा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ क्या, कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे मैं इमेज को मैंने यहाँ पे कर लिया, अगर मेरे पास ये इमेज मैच करना है, ये इमेज है ना, ठीक है, मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या सिंपल कोई भी एक व्यू जिसमें आप ले सको। जैसे मैंने आपको पहले भी शायद मैंने बताया कि अगर मैं कैमरे के साथ डील करता हूँ तो कैमरे के साथ मुझे कैसे मैनेज करना है, कैमरे के साथ मैनेज करने के लिए एक बहुत सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है। क्रिएट में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया कैमरा, ठीक है, कैमरे में गए, ठीक है, कैमरे के अंदर यहाँ पे इमेज प्लेन होता है, एनवायरमेंट क्रिएट, ठीक है, यहाँ से कॉल कर लो आप, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, कुछ एक इमेजेस मुझे यहाँ पे मिलने वाले तो मैंने इमेज ये डाल दिया, ठीक है। अभी इमेज में देखो यहाँ पे, मैं बस देखो यहाँ पे, अब ये क्या पैनल पे गए, मेरे पास ये हो गया कैमरा। अभी कैमरे के अंदर डेप्थ होता है क्या, ये मैंने आपको बताया कि बीजी वाले एक बार प्रोसेस एक बार देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, उसमें मैंने ये प्रोसेस यूज़ कर रखा है, ठीक है। दिस इज अवर प्रोस्पेक्टिव और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैमरा है, कैमरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओह माय गॉड, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एक तो या तो मैं इसे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पैनल पे गए एंड यहाँ पे मैंने कैमरा कर दिया, कैमरा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कैमरे के अंदर जब आप जाओगे तो कैमरे के अंदर आपको क्या एंगल मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कैमरे के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ, डेप्थ है, आप इन सब चीज़ का थोड़ा प्ले करो तो कुछ काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ आपको दिख रहा है यहाँ पे, साइज है, ठीक है, ऑफसेट है, इन सब के साथ आपको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कैमरे के अंदर एक दो फीचर्स और भी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, चलो अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस लेंस कुछ काम कर रहा है क्या, यहाँ पे कुछ खास काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे लेंस मेरे पास बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे उसी से ही काम करना पड़ेगा, तो दिस इज़ अवर कैमरा, ठीक है, कैमरे पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इमेज प्लेन, इमेज प्लेन के अंदर मुझे यहाँ पे साइज़ देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ, साइज़ में क्या है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, नहीं, डेप्थ, अभी मुझे लग रहा है कि इसको तो ऐसा मुझे जूम ही करना पड़ेगा, जूम करने के लिए यहाँ पे मैं बस होता है डिस्प्ले में ओवर स्कैन होता है क्या, क्लिक किया यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे, कभी डिस्प्ले ऑप्शन देखना है यहाँ पे, इमेज प्लेन प्लेसमेंट, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे इमेज प्लेन के अंदर काम नहीं करेगा, एक मिनट लेट मी क्रॉस चेक, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये कैमरे में आ जाना है, इसके अंदर मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कैमरे में मिलेगा, कैमरे के अंदर हम लोग यहाँ पे गए, कैमरे के अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है, यहाँ क्रॉस चेक, डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ओवर स्कैन, ओवर स्कैन के अंदर मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ, हो सकता है, ये समझना है क्या, अगर आप किसी को काम कर रहे हो ना तो ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, पैनिंग में यहाँ पे, अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना है पैन में, आपको यहाँ पे इधर उधर देखना है, ये प्लेसमेंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एक बार जब तक आप इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, अभी दिख रहा है यहाँ पे, ये जब तक आपने नहीं देखा तब तक आपसे काम नहीं होना, ठीक है। आपने क्या किया, ओवर स्कैन में और जूम करना चाहो, जूम कर लो यहाँ पे, देखो देख रहे, अभी यहाँ से जब मैं चीज़ों को सेट कर लूँगा तो मुझे पहले पता चलेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। अभी लोग कैमरे सेट नहीं कर पातेगा, कैमरे सेट में रह जाते हैं, भाई मैंने किया क्या किया भी है तो मैं मैच कैसे करके देने वाला हूँ, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, पैनिंग में है, पैनिंग में है, मैं यहाँ पे क्या किया देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो पे रख रखा, यहाँ पे मैंने कहा ओके 0.05 आ गया, अभी इतना मुझे चाहिए था तो वो मुझे ऑप्शन मिल गया कैमरे के अंदर डिस्प्ले में, मैंने ऑप्शन सेट कर लिया। अभी यहाँ पे करने के बाद मुझे अभी चीज़ों को मैनेज करना है, यहाँ पे मैं क्या पोजेस को सेट कर सकूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड पता है, यहाँ सबको दिख जाएगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, मैं बस ये जो मॉडल है सिलेक्ट करो, आपने गाय का मॉडल F4 फोकस, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज को मैंने अलग से देखा, अभी यहाँ पे मेरे को 3D मतलब क्या, जैसे यहाँ पे दिख रहा है गाय का फेस इधर नजर आ रहा है, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ से फेस को मुझे आगे की तरफ दिखाना है, मतलब फेस एकदम से साइड व्यू नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला काम
फिर से सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे क्या रिग वाला पार्ट भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं जो चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या सो पे गया, यहाँ पे मैंने कर दिया नन, सो पे गया, यहाँ पे मैंने क्या चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए पॉलीगन से, तो पॉलीगन से आएगा। अभी आपको वो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, फेसिस पे गए सिलेक्ट कर दिया, आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से पूरा पार्ट इसके साथ ही देख लेना, एक बार फोकस कर लेना, अभी देखो सब कुछ इसके साथ में है। अभी यहाँ से मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इतना पार्ट सिलेक्ट करके बी बिफोर सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है, बी को आप यहाँ से मैनेज करो, यहाँ पे पॉसिबल है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से थोड़ा सा पोजिस ऐसे देना है यहाँ पे, तो देखो कितना जा रहा है। अभी मुझे पहले यहाँ पे क्या काम करना है, गो टू टॉप व्यू, टॉप व्यू पे गए फोकस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं टर्न कर रहा हूँ, देखो टर्न में ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसे मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप पर्सपेक्टिव में आके देखो तो आपको लगेगा नहीं, इधर से मुंह दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉपर साइड व्यू तो नहीं आ रहा, यहाँ पे देखोगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये सॉफ्ट सिलेक्शन से मैंने यहाँ पे काम हो जाने दूंगा, अभी लग रहा है यहाँ पे टर्न है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो टर्न दिखेगा दूसरा पार्ट। अभी जैसे आपका पाँव वाला पार्ट है, पाँव वाला पार्ट आपका आगे पीछे नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना है एक पाँव में बस आगे, ये वाला पाँव आगे है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पोजिस को समझना है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, व्हाट आई वॉन्ट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फेसेस, राइट क्लिक एंड फेसेस, ठीक है। सबसे पहले बट यहाँ पे मैं जब सेलेक्ट करूँ, पीछे सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल है, ओके। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, स्टेटस लाइन चाहिए क्या, स्टेटस लाइन पे मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं देखूँ सेटिंग में, यहाँ पे गए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे देखना है सिलेक्शन, ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम में जाके क्या करें, सरफेस कर देंगे, हो जाएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, चलो दिस इज़ गुड, ये पार्ट में बस यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ से मैं तो और मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। देन शिफ्ट एंड ग्रो ग्रो ग्रो, है ना, मैं ग्रो कर सकता हूँ यहाँ पे। ग्रो करते करते मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जिसको मुझे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है। इतना पार्ट मैंने पकड़ा, पाँव कहाँ तक मुड़ता है इतना मैं देखना, ये हल्का सा पार्ट ये दिख रहा है यहाँ पे, इतना पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जहाँ से मेरे पार्ट मुड़े, ठीक है। एडजस्ट हो, अभी एडजस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे पोजेस में मुझे देखना है, तो पोजेस को मैं कैसे डील करने वाला हूँ, मेरे पास ये पाँव आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये पाँव आगे की तरफ, देखो तो वो चीज़ों को आपको एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो क्या। एडजस्टमेंट इसलिए बताऊँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, ठीक है। अभी मैं इसको अगर मैं उठा के लगाऊँ, ठीक है, इज इट पॉसिबल मैं इसको आगे लेके जाऊँ, तो पॉसिबल है। पहला पार्ट मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, तो क्या होता है, मुझे अभी यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, अभी यहाँ पे मुझे इस पाँव में अभी एडजस्टमेंट करना है, मैं जस्ट बेसिक में मैनेज कर रहा हूँ, बेसिक मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अभी इसको मैंने डब्लू, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे डब्लू है मेरे पास यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे इसको और एडजस्ट करना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इतना पार्ट मुझे ऐसे दिखाना है, तो यहाँ पे गया मैंने इस वाले पार्ट को, मैंने यहाँ पे किया हल्का सा रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, यहाँ पे बात समझ आ रहा है। अभी ये चीज़ मैंने अगर आगे किया तो पीछे वाला पार्ट अपने आप आया क्या, हमें इतना थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद में थोड़ा सा हल्का हल्का टचअप दे देना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कैसे निकलता है, यहाँ पे जब पाँव हमारा आगे गाय का आगे पाँव होगा, ये पार्ट हल्का सा कैसे होगा, यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया, देखो ये बेसिक शेप को मैंने खोने नहीं दिया, ये शेप मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पे बेसिक शेप देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये काम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट अभी देखो यहाँ से ये पाँव मुड़ा हुआ है, लग रहा है पाँव चलते हुए, ठीक है। यहाँ से बैंड है ना, अभी यहाँ से मुझे बैंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखो बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये दूर पास में ही ना खत्म हो जाता है, देखना अभी क्या करेंगे, कैमरे में गए, छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्या, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कैमरा नियर एंड फार होता है, ठीक है। नियर लाते हैं यहाँ पे क्या, 0.001, फार में यहाँ पे 0.00 बढ़ा दो तो काम कर जाएगा। तो ये आपको अभी ये आपको ये ऑप्शन जब पता चला, जब आप काम करो किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, तो हमेशा आपको कोई कोई नया नया ऑप्शन आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे आइडिया मिलेगा, चलो मैंने टेस्ट में कर रहे हैं या कुछ ऐसे में काम करें तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो डन, ओके। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मेरे पास मोड़ना कहाँ, ये यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो मॉडलिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे टर्न देते हैं भाई, यहाँ पे टर्न हो जाए, सेगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड ग्रो ग्रो ग्रो, इतना पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे।
अभी यहाँ से मैंने क्या किया, डब्ल्यू डी एन वी एन मिडिल माउस बटन, ठीक है कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी डी वी एन मिडिल माउस बटन यहाँ पे गया, ओके यहाँ पे गया रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर रोटेशन दिया अंदाज के तरफ जा रहा, हल्का सा इसे खींच के इधर कर दिया यहाँ पे। टाइम लग रहा है इसमें चीज़ों को, मैं देखूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है मेरे पास यहाँ पे देखे अभी बेसिक स्ट्रक्चर का था, जैसे कोई इसके ऊपर का पार्ट देख नहीं रहा मुझे, इसके ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैच करने जब आऊँ ना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक पता चलेगा। राइट क्लिक किया, फेसेस किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे पार्टनर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, बी सॉफ्ट सिलेक्शन काम करो बी एंड लेफ्ट माउस बटन यहाँ से, देन आप यहाँ से हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हो, पॉसिबल है हल्का फुल्का मुझे मैच करना है भाई। ये पार्ट मुझे ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट में पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ है, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, नहीं हो जाएगा आराम से हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पोज देना था, पोज मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ये पार्ट में को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, एंगल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और करना है तो मैं थोड़ा सा और पार्ट यहाँ पे मैनेज करके दिखा दूँगा, मुझे यहाँ पे इतना जो वही पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है सेफ टेन करूँ यहाँ देखना पे, अगर मैं यहाँ पे करूँ यहाँ से यहाँ तक मेरे पास यहाँ पे काम हो रहा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बी सॉफ्ट सिलेक्शन करके हल्का सा मुझे पीछे की तरफ मैनेज करना था यहाँ पे। कितना टाइम लगेगा आप ये सोचो ना यहाँ पे, अगर चीज़ें मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको यहाँ पे बोलूँ आप रिक करो तो फिर तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, यहाँ पे इतना काम किया काम हो गया।